आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैबिट के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रैबिट स्ट्रक्चर क्या होता है, रैबिट आर्किटेक्चर क्या होता है और रैबिट MEP क्या होता है, और ये कब बना, क्या है इसका हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन इसका देखेंगे कि रैबिट का डेफिनेशन क्या होता है। रैबिट एक ऐसा बिल्डिंग मॉडल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग आर्किटेक्चर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डिज़ाइन होते हैं वो सब हम लोग इसमें बना सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का भी आता है, ठीक है, डिफरेंट आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में कि इसका हिस्ट्री क्या क्या है। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है 40 रैबिट सॉफ्टवेयर के द्वारा, फाउंड हुआ था 1977 में और इसका रीनेम करके रैबिट टेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग 2000 में कर दिया गया और इसको एक्वायर किया गया था ऑटोडेस्क के द्वारा, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है आपका 2D 3D में मॉडल को बनाता है और इसमें बनाना बहुत आसान होता है आपका, ठीक है। रैबिट 4D में भी आपका इसको यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या क्या है आपके, ये देखें। सबसे पहले कोई सबसे कम समय में आपको ये बन जाता है, ठीक है, इजीली एडिटेबल है आपका, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ बनाता है, जो भी इसमें हम लोग डेटा पुट करते हैं वो बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाता है। ये एट्रैक्शन और परफेक्शन दोनों इसमें होता है आपका, जिसमें 2D 3D दोनों देख सकते हैं, इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। लॉन्ग स्टोरेज है आपका, लंबे समय तक इसको रख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, इसमें 3D मॉडलिंग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं रैबिट सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आएंगे रैबिट आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में, फिर दूसरा हमारा आता है, सेकंड वन हमारा आता है रैबिट स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में, और थर्ड वन हमारा आता है रैबिट MEP एंड फैब्रिकेशन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग रैबिट आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में। सबसे पहला इसमें आता है आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन टूल्स, है ना, जो जिसमें कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन टूल्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर एनालाइज करेंगे उसके इनर साइड आउटर साइड जो भी होता है, जो भी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं दोनों को देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग के लिए, जो भी हम लोग मॉडल बनाते हैं इसमें देख सकते हैं उसको, थ्री लाइट विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। मल्टी स्टोरी स्टेयर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं तो वहाँ पे स्टेयर भी बनाना बहुत आसान होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके क्लाउड टूल्स को देखेंगे, क्लाउड रेंडरिंग को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा नेट चलता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के में। स्ट्रक्चर में पहले हम लोग इसका फिजिकल एनालिटिकल मॉडल बनाएंगे, फिर उसका बाई डायरेक्शनल और लिंक देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर रिइंफोर्समेंट डिटेल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, फिर डायनामो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। फिर इसमें हमारा आता है स्ट्रक्चर स्टील मॉडलिंग करेंगे, इसमें लिंकिंग करेंगे उसको फैब्रिकेशन के साथ। सेकंड वन हमारा आता है, थर्ड वन आता है हमारा MEP के बारे में, HVC डिज़ाइन करेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, फिर ME फैब्रिकेशन डिटेलिंग को देखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन और उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आता है आपका इनर इनसाइड इंट्रोडक्शन, जो भी इंट्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे, प्लम्बिंग डिज़ाइन देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, फैब्रिकेशन सर्विसेज को देखेंगे और फैब्रिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है रिक्वायर्ड उस सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हमारे ये तीनों हम लोग इसमें आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अब इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं, फंक्शन क्या क्या है इसका। सबसे पहले क्या होता है कि इसको जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। इसमें दो तरीका है, आपका क्रैक भी कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा पास आता है इंपेरिकल और मेट्रिकल कन्वर्जन, आपका मेट्रिकल में भी आपका यूज़ होता है और इंपेरिकल में भी यूज़ होता है, दोनों में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई हम लोग यहाँ पे वॉल ले ली है, बेसिक वॉल जिसमें आपका जेनरिक शो कर रहा है और 6 इंच शो कर रहा है और उसके राइट साइड में आपका 200 mm दिखा रहा है। जितने भी हम लोग मैट्रिक्स में मेजरमेंट ले रहे हैं या फिर आप एम्पेरिकल में ले रहे हैं, तो जो भी मैट्रिक्स वाला होगा वो आपका मिलीमीटर में दिखाएगा और एम्पेरिकल का जो भी आपका शो करता है वो आपको प्रोजेक्ट में एम्पेरिकल और मैकेनिकल दोनों का शो करेगा, है ना, ब्रैकेट में आपको शो कर देगा दोनों का वैल्यू, आप इसमें इजिली एक ही साथ आपको देख सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लोरिंग और उसका यूज़र इंटरफेस कैसा होता है। रैबिट का जो डिस्प्ले होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो अगले नेक्स्ट वाले स्लाइड में लोग देखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट कौन कौन से सेक्शन होते हैं यहाँ पर देख लिया, रैबिट सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या क्या होता है देखिए। इसमें ये हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। सबसे टॉप में चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा टाइप ऑफ सेक्शन, कौन कौन से सेक्शन है, जिसमें आपको अभी जेनरिक दिख रहा था ना वॉल का सारा डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड में आता है मेनू बार, जिसमें आपका मेनू बार क्या होगा, जिसमें जो भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में देखते हैं, जो भी हम लोग खोलते हैं ओपन करते हैं तो उसमें फाइल एडिट वगैरह दिखाता है। सेकंड हमारा टूल्स हो गया, जिसमें हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे आप उसको जूम कर रहे हैं, उसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके डिफरेंट व्यूज़ को देख रहे हैं, वो सब हम लोग कहाँ से देख पाएंगे, टूल बार में। फिर हम लोग आते हैं बॉटम में, यहाँ पर देखेंगे डिज़ाइन बार के, जिसमें आपको दिखता है यहाँ पे वॉल, डोर, विंडो, रूफ, जो भी आपका जो भी टूल्स होते हैं टेक्स्ट वगैरह सब आपको डिज़ाइन बार में मिल जाएंगे। सेकंड वन हमारे पास है ये आपका स्टेटस बार, स्टेटस बार में जो भी लोग हम लोग को चाहिएगा यहाँ पे मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन हमारा आता है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ठीक है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या क्या है कि
इसमें कौन कौन से फ्लोर में हम लोग वर्क कर रहे हैं। फ्लोर के बाद हमारा आता है सीलिंग, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, फिर आपका हमारा सीलिंग में फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग, सेकंड फ्लोर का सीलिंग, थर्ड फ्लोर का सीलिंग, फिर हमारा थर्ड में आता है उसका 3D डिज़ाइन, फिर उसका होता है एलिवेशन सेक्शन, सेक्शन हो गया उसका एलिवेशन हो गया कौन कौन सा होता है, ठीक है, नीचे में सेक्शन हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा आता है डिफरेंट डिफरेंट इसमें कौन कौन से हम लोग सीट्स बना रहे हैं, सीट किस तरह से हम लोग पेश करना है, A0, A1, A2, A3, A4, इस सब का सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे में हम लोग आते हैं तो नीचे में भी बहुत सारा सीट बनाने का है, अभी बता दिया आपको, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आपका फैमिली जिसमें आपका होता है बहुत सारा बना हुआ, जिसमें डोर विंडो फर्नीचर वगैरह आपको बनाने मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है नीचे में, ठीक है, आगे यहाँ पर रेबिट लिंक करके जो कि आपका इंटरनेट से चलता है, वो आगे जब भी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको बता देंगे क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में हम लोग आते हैं यहाँ पे व्यू कंट्रोल बार में, जिस जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं वो 2D में है, 3D में है, है ना, 2D 3D में है, उसमें भी 2D 3D में भी कौन कौन सा है आपका, कॉन्सेप्चुअल है, रियलिस्टिक है, ये सब देखेंगे। थर्ड वन हमारा, उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, कोई भी चीज़ ड्राइंग बनाते हैं। फिर आता है ना कम्युनिकेशन सेंटर बार, ये आपका जब भी होगा लिंक होगा आपका लैन वैन, उसके बाद ही चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है आपका ऑप्शन बार, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि उसको फिल्टर कर सकते हैं आप डोर विंडो को, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग को यहाँ पे मिलता है वो जो भी हम लोगों ने अभी देखा उसको, उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मेनू बार टूल बार, है ना, मेनू बार टूल बार हम लोगों ने वहाँ देखा जहाँ पे फाइल वगैरह शो कर रहा था और जहाँ पे हम लोग को जेनरिक वगैरह शो कर रहा था, ये सबसे टॉप में होता है। जब जैसे कि बताया था मैंने कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडो में जो भी हम लोग देखते हैं फाइल सेव मैनेजर जो भी रहता है हेल्प वगैरह, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है ऑप्शन बार, जो कि हम लोगों ने अभी देखा था, जिसमें आपको फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है कि हमारा वॉल यूज़ हो रहा है तो वो सेंटर से यूज़ हो रहा है या फिर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, है ना, तो उन सबको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बार में दिखेगा। ये सॉफ्टवेयर पर जब हम लोग पहुँचेंगे ना, ये तो स्लाइड है ना अभी आपका, जब हम लोग ऑप्शन पर पहुँचेंगे सॉरी सॉफ्टवेयर पर, तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब टाइप ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन कौन सा होता है, ऑप्शन बार होता है, ड्रॉप इन होता है आपका, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर हम देखिए आपको दिखा रहा है, उसका फिगर भी दिखाया है, है ना, वॉल कौन सा है हमारा, जनरिक 8 इंच का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको माउस का दिखता है, कर्सर का, ठीक है, रूफ का यहाँ पे हाइट दिखाएगा, फिर आपका वॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेंटर वॉल, साइड वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल इशू करेगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे चेनिंग है, चेनिंग सिस्टम कैसे काम करता है आपका, उसमें आप लाइन से कैसे चेन बना सकते हैं, स्क्वायर से, उसमें आपका कोई आर्क वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आपका आउटर लाइन कैसे हो सकता है, अगर कोई सर्कुलर है उसमें रेडियस कैसे पुट कर सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर में, है ना। यहाँ पे तो सिंपल सा ये पास स्लाइड है, इंट्रोडक्शन के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, प्रोजेक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पर आप बना सकते हैं इसमें। चलिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमारा आता है टाइप सेक्टर, टाइप सेक्टर कौन कौन सा होता है आपका, ये है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप सेक्टर होता है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ऑप्शन बार में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिस्कस कर देंगे। प्रॉपर्टी बॉटम, प्रॉपर्टीज़ बॉटम में क्या क्या मिलता है आपको ये देखेंगे यहाँ पे, नहीं प्रॉपर्टीज़ बॉटम में प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, उसकी जो भी हम बना रहे हैं उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डिज़ाइन बार में आपको 10 बार्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको बेसिक मिलेगा, व्यू मॉडल मिलेगा, ड्राफ्टिंग मिलेगा, रेंडरिंग, साइड, मासिंग, रूम एरिया, स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, वो बताएंगे आपको। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या क्या मिल जाता है, इसमें लेबल्स मिल जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सीलिंग्स में भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके बाद फिर आपको 3D, उसके बाद फिर सेक्शन, एलिवेशन सब मिलता है आपको। फिर आता है हमें यहाँ पे स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या क्या मिल जाएगा, वो हाईलाइटेड होता है आपको स्टेटस बार में, जो करंट में हम लोग जो कमांड यूज़ कर रहे थे वो वहाँ पे हाईलाइट हो दिखता है। फिर आता है व्यू कंट्रोल बार, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल में हम लोग काम कर रहे हैं, कौन सा ग्राफिक्स स्टाइल में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो सब दिखाया है। कम्युनिकेशन सेंटर में क्या होता है, जो कि हम लोग नेट से कनेक्ट करके जो भी यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग कम्युनिकेशन सेंटर में देखेंगे। गेटिंग मेन में देख लीजिए। नेक्स्ट वन हमारा आता है, जब कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसे बनाने से पहले हम लोग क्या करना है यहाँ पे, जो भी क्लाइंट है आपको क्लाइंट से सारी डिटेल ले लीजिए, कितना कितना का उनको चाहिए सब कुछ, किस तरह का उनको चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए कौन सा है, किस पर्पज से बना रहे हैं आपका, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इस सारा जानकारी आपको वहाँ से ले लेना है। उसके बाद फिर उन्हीं के उसी के बेसिस पे आपको प्रॉपर ड्राइंग बनाना है, डायमेंशन के साथ मैट्रिक्स या फिर एम्पेरिकल जो भी है। उसके बाद फिर आपको उसको विजुलाइज कराना है आपको 3D, उसके अंदर में 3D आपका वॉकिंग होता है, कैमरा वगैरह सब सेट करते हैं और सब कुछ बनाकर उसको एनिमेशन के साथ उनको दिखा देना है कि आपका बनने के बाद प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद फिर आपका आता है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के लिए, सॉरी अप्रूवल लेने से पहले आपको उसको अगर कोई इसमें रीडिजाइनिंग वगैरह करना है क्लाइंट के फीडबैक के अकॉर्डिंग, उसको आप रीडिजाइन कर लेंगे और उसके बाद अभी उसके बाद ये बनने के लिए नेक्स्ट में जाएगा आपका अप्रूवल के लिए जाएगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास, वहाँ गवर्नमेंट के पास अप्रूवल हो जाएगा, हो जाने के बाद
वो स्ट्रक्चर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद फिर देख लेते हैं कुछ जो भी फाइल इसमें बनता है, जो हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उसमें जो फाइल होता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल होता है, चार तरह का फाइल होता है वो देख लेते हैं। रैबिट फाइल्स फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, तो उसमें आपका प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको .rvt लिखता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग को ऑटो करके लिखा था ना .dwg, अगर PDF में कन्वर्ट करते हैं तो .pdf लिखता है। ठीक उसी तरह आपका रैबिट में कोई प्रोजेक्ट अगर बना रहे होते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट बनेगा तब उसमें .rvt बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट हो गया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यूज होता है। जैसे सिविल में यूज करेंगे हम लोग तो उसमें आपका आर्किटेक्चर होगा, अगर आर्किटेक्चर के लिए यूज करेंगे या सिविल के लिए करेंगे तो वो आर्किटेक्चर में यूज होगा आपका। फिर मैकेनिकल के लिए हो जाएगा MEP, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के MEP हो जाएगा। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में अगर सिविल में काम कर रहा है तो स्ट्रक्चर के लिए आपका ये हो जाएगा टेम्पलेट। उसमें r.rte लिखता है। फैमिलीज डिफरेंट में जिसमें आपको डोर विंडोज फर्नीचर वगैरह जो भी कंपोनेंट होते हैं वो बने बनाए मिलते हैं आपको इसमें, है ना। रैक जिसको बोलते हैं वो फैमिली का जो पूरा टेम्पलेट होता है आपको इसमें मिल जाएगा आपको। उसका फॉर्म फाइल फॉर्मेट कैसा होता है .rfa होता है। फिर नेक्स्ट में आता है कि फैमिली टेम्पलेट, है ना। फैमिली नया नया अगर कोई फैमिली बना है, कोई फैमिली का बना हुआ, मान ली कोई डोर वगैरह बना हुआ डिज़ाइन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट डिज़ाइन है आपका, उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा .rft होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करें तो आपको फाइल टेम्पलेट में जाना होगा, वहाँ से आपको जिस भी सेक्शन में बनाना है, मान लीजिए डोर का बनाना है तो डोर को वहाँ से उठाएंगे आप और उसका फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा, जो भी आपको एडिट करना है वो यूज़ कर लेंगे, है ना। ये सब फाइल फॉर्मेट हो गया, ये आपका क्लाइंट का डिमांड होगा उस पर हम लोग करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, यहाँ पर शुरू हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे हम लोग, क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट को। पहले तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, हम लोग को क्रिएट करना है, उसमें प्रोजेक्ट का नाम डालना है आपको, किस पर्पज से बना रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका। उसके बाद फिर आपको क्रिएट करना है बिल्डिंग मॉडल और उसके बाद शो कराना है। उसके बाद देखिए स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं रैबिट को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप हम लोग आ चुके हैं। इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर जो भी है हमारा, यहाँ पे हमारा देखिए रैबिट है, हमारा रैबिट 14 हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो लेटेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको दिखाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ खुले हुए हैं आपका, है ना। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है आपके पास, यहाँ से आप ओपन करके वहाँ से लोकेशन से ब्राउज करके उसको यहाँ पर ला सकते हैं। अगर नया बनाना है तो नया पर क्लिक कीजिए, नया पर क्लिक करते हैं न्यू प्रॉपर्टी जाएगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा आपको टेम्पलेट में चाहिए, स्ट्रक्चर MEP या फिर आर्किटेक्चर जो भी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो भी आपका वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कहीं पे रखे हुए हैं आपका कोई लोकेशन पे पड़ा हुआ है आपका, वहाँ से भी आप वहाँ पे चूज़ करके ला सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, दोनों आपका सेम ही होता है इसमें। नेक्स्ट वन हमारा उस तरह से आपका MEP हो गया, रेजिडेंशियल के लिए हो गया आपका, कंस्ट्रक्शन के लिए हो गया, सब अलग अलग है, मैट्रिक्स में अलग होगा, एम्पिरिकल में अलग होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा कि कैसा आपको यूज़ करना है, है ना। यहाँ बना बनाया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, जैसे कुछ सैम्पल वगैरह होता बना बनाया, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो रिसेंट फाइल्स होंगे वो सारे यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट बनाते हैं फैमिली, जिस तरह आपको ओपन में शो करा था ओपन वैसे ही आपको यहाँ पे भी शो करेगा। कोई ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई अगर फैमिली बना हुआ है आपका वहाँ से उसको ला सकते हैं, या फिर नया फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना अलग अलग सबका, रेजिडेंशियल के लिए अलग, कॉलम के लिए अलग, सब कुछ अलग अलग दिखा रहा है, डोर विंडो के लिए दिखाएगा। और यहाँ तक कुछ सैम्पल्स दिखाते हैं जो बने बनाए होते हैं बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ आते हैं रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में ये सब ऑनलाइन चलता है आपका, अगर आप ऑनलाइन आपका जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, क्रैक नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम, जो भी आपका सिस्टम जो भी है सब चीज़ यहाँ पे शो करेगा, है ना। देखें वो यहाँ पे हम बताया था अभी आपको पिछले वाले स्लाइड में, आपको यहाँ पे सारा चीज़ शो कर रहा था, है ना। अब चलेंगे किसी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं या फिर नया प्रोजेक्ट ही ले लेते हैं। चलिए डिफॉल्ट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए डिफॉल्ट क्लिक कीजिएगा, ये इस तरह सबका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं मेनू बार, ठीक है। उसके बाद ये आपके आपका टूल्स आ गया, कौन कौन से टूल्स है सबका, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, एनोटेशन में जाएंगे, है ना, एनालाइज में जाएंगे, मास एंड साइट में है आपका, कोलेबरेशन है, व्यूज है, मैनेज है और मॉडिफाई है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपको यहाँ पर टूल्स मिल जाएगा, है ना। अब इसमें व्यू में आ जाए, व्यू में जो आपका था ऑप्शन वाला सेक्शन यही था, 3D हो गया, सेक्शन हो गया, ना, ये सब आपको डिज़ाइन वाले में मिल जाएगा। अब आप हम लगाते हैं आर्किटेक्चर में, लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये हमारा प्रॉपर्टी ब्राउजर था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से लेवल्स हैं आपके, लेवल 1, लेवल 2, साइट सीलिंग का भी लेवल अलग अलग, मान लीजिए वो आपको जब बनाते हैं, जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये सब आपको कुछ इस तरह से भी दिख सकता है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी ब्राउजर ना दिखे आपको, इधर आपको यहाँ पर मेनू बार ना दिखे, तो आपको क्या करना, क्या चलाना है आपको यहाँ पर मैनेजमेंट व्यू में जाना है आपको, यहाँ पर व्यू में चलेंगे, यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर चैनल का आइकन है, आपको यहाँ पर आ जाना है, यूजर इंटरफेस में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी ब्राउजर में क्लिक करना है ना, प्रॉपर्टी ब्राउजर और प्रॉपर्टीज़, ये दो अगर रहेगा तभी आप इसमें कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके उसको यहाँ पर ले जाइए, ठीक क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खुद खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एडजस्ट नहीं रहता तो कैसे करेंगे हम लोग, बीच में आ जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा बीच का ये सेक्शन है। अब यहाँ फिर से भी क्लिक कर लेते हैं, अब इसके बाद हम देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर विजुअल इंटरफेस में जाके इसको क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज़ को और प्रॉपर्टी ब्राउजर को, तो कुछ हो सकता है इस तरह से दिखे आपको। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो ड्रैग करके लाना है आपको, यहाँ पे ड्रैग करके हल्का सा अंदर के साइड ले जाना है, और जैसे ही इसको आप छोड़िएगा, है ना, जैसे आप छोड़िएगा अंदर की साइड लाते हैं यहाँ पे, जैसे आप छोड़ेंगे वो देखिए सेट हो जाएगा, इसे पूरे में सेट हो गया, लेकिन इस तरह से सेट होना नहीं है इसको। फिर से इसको करेंगे छोटा सा और लेफ्ट साइड में लाएंगे यहाँ पे, और जैसे छोड़ेंगे देखिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में रखते हैं, देखिए जैसे इसको छोड़िएगा देखिए सेट हो जाएगा। फिर इसको भी उठाएंगे और इसको भी लाएंगे यहाँ पे हल्का सा अंदर में ले जाकर, जैसे छोड़िएगा वो खुद को एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में जिस तरह से हम प्रॉपर्टी ब्राउजर और प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देते हैं, तो ये बीच में जो वर्किंग स्पेस होता है ना, तो ये आपका काफ़ी अच्छा जगह मिल जाता है जिसमें आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, चार डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन तो है ही, उसके अलावा आपका ये चार कैमराज हैं जिसके अंदर आप आगे जाके जब वीडियोस वगैरह एनिमेशन का बनाएंगे तो इनके बीच में अगर रहेगा तभी आपको सब चीज़ दिखेगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा, ठीक है। इधर आपको मिल जाता है, यहाँ पर वॉल मिल जाता है, डिफरेंट वॉल, ठीक है। वॉल के लिए अगले वाले सेक्शन में देखेंगे, पहले हम लोग इसके वर्किंग स्पेस को देख लेते हैं। उससे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, डिफरेंट लेवल मिलेंगे आपको, यहाँ लेवल चेंज करने के बाद भी कोई डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ बना ही नहीं आपका, है ना। एलिवेशन में भी जब तक जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आपको। तो हम लोग जब यहाँ पर बनाएंगे, हम लोग लेवल्स जब सेट करेंगे तब हम लोग देखेंगे उसके में। फिर हमको यहाँ आता है, यहाँ पे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, सीलिंग का हो गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आप टाइप कर दिए हैं कि सीलिंग में क्या हाइट है इसका, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो है इसमें दिखेगा आपको। पहले बाय डिफॉल्ट वाला लेकर चलेंगे, बाद में इसमें चेंजेस करना सिखाएंगे आपको कि किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मैनेज में, मैनेज में आने के बाद पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को सेट करना सीखेंगे, क्योंकि ऑटोकैड में क्या था, पहले हम लोग सबसे लास्ट में यूनिट करना सेट करना सीखे थे, सब इसमें हम लोग पहले ही सेट कर लेंगे। आपका ये प्रोजेक्ट यूनिट खुल जाएगा, सबसे पहले मैं कॉमन दिखाता है बाय डिफॉल्ट, है ना। स्ट्रक्चर के लिए अलग होगा आपका, HVAC के लिए अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग हो गया, है ना, सब के लिए अलग अलग, पाइपिंग के लिए अलग है, एनर्जी के लिए अलग है। तो कॉमन जो होता है हमारा, वो हमारा होता है आर्किटेक्चर के लिए, है ना, मेनली आपका आर्किटेक्चर के लिए हम चलेंगे लेके। सबसे पहले हम लोग चलेंगे लेंथ में लेके, उसमें फिट और इंच जो है वो फ्रैक्शनल्स में है ना, जो भी आपको इसमें समझ में आता है, जो भी आपको यूज़ करना है मैट्रिक्स में यूज़ करना है मैट्रिक्स, या फिर एम्पिरिकल तो एम्पिरिकल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका राउंडिंग अप है ना, राउंड कितने के बाद चाहिए आपको, पता नहीं कितने जीरो के बाद ये चाहिए, कितने जीरो के बाद आपको वो चाहिए, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, फ्रैक्शन में दिखेगा, है ना। उसके बाद जो भी इसमें ज़रूरत का है वो चल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी है बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। इसमें एक चीज़ है आपके पास कि अगर उसमें आप इंच फिट में सेट किए हैं तो आप यहाँ पे उसके एरिया को आप मैट्रिक्स सिस्टम में भी सेट कर सकते हैं, है ना। लेंथ हमारा हो गया एम्पिरिकल में, और जो एरिया है वो हमारा हो गया मैट्रिक्स में, है ना, मीटर मीटर में हो गया, एमएम में हो गया, वो चेक कर सकते हैं। तो सब में आप डिफरेंट डिफरेंट कर चेंज कर सकते हैं। इसमें भी जाके आप वापस हम लोग करते हैं फिट में लेके हैं तो फिट में लेके चलते हैं, है ना, स्क्वायर फिट में, ठीक है। उसका फिर चाहे इसके सैंपल को चेंज कर सकते हैं, सैंपल को हम लोग करते हैं फिट FT स्क्वायर, ठीक है, हो गया हमारा ये, ओके करते हैं। सिमिलरली हम लोग वॉल्यूम में भी वही सेम काम करना है हमको, है ना, क्यूबिक में ले लेते हैं, 2 डिजिट पर रखते हैं इसको, और इसको कर देते हैं क्यूबिक फिट, ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन हमारा आता है वॉल्यूम के लिए भी वही सेम है, हम रखते हैं क्यूबिक हो गया हमारा। अब आगे हमारा नेक्स्ट आ गया फॉर्मेट या डिग्री के लिए, है ना, डिग्री रेडियन जो भी आपको यूज़ इसमें समझ में आता है, जो भी आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, डिग्री का सैंपल रख सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है स्लोप के लिए, स्लोप में कौन कौन सा स्लोप, स्लोप राइजिंग कितना है, 1:1 का रेशियो, 1:2 का है, 1:6 का है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेंसी के लिए, तो करेंसी के लिए भी रहने दें क्योंकि एनालाइज तो कर नहीं रहे हैं, इसमें एस्टिमेशन क्वेश्चन भी निकाल नहीं रहे हैं अभी, वो आगे हम बताएंगे आपको, उसके बाद यहाँ पर शेयर करिएगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको लेकिन रुपीज़ में नहीं दिखाया गया है, डॉलर में दिखाएगा। इसलिए हमारा जो भी था रिक्वायरमेंट्स हो चुका है, कंप्लीट कर लिए, ओके कर लेंगे इसको। अब आ जाएंगे आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में आने के बाद चलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू।